दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में उन अनसोल्ड खिलाड़ियों के पास फिर से एक मौका है आईपीएल 2018 में वापसी करने का। दरअसल दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी अगर कोई सा भी खिलाड़ी चोटिल होकर आईपीएल 2018 से बाहर होता है या किसी अन्य कारण से आईपीएल से बाहर होता है तो नियमों के हिसाब से दोस्तों जितने भी खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं उनमें से कोई से भी खिलाड़ी को कोई सी भी टीम अपनी बेस प्राइस पर अपनी टीम में ले सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 खिलाड़ियों के नाम जो आईपीएल 2018 में वापसी करेंगे और जो आईपीएल 2018 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे। तो दोस्तों 5वें नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है लैंडन सिमंस। दरअसल दोस्तों लैंडन सिमंस का बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है मुंबई इंडियंस की तरफ की अगर बात करें तो। हालांकि आईपीएल 2017 में मुंबई का हिस्सा थे लेकिन बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सके थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। दोस्तों लैंडन सिमंस की वापसी लगभग तय है अगर कोई सा भी एक मेन बल्लेबाज एक विदेशी बल्लेबाज जो है टीम का चोटिल होता है किसी अन्य कारण से बाहर जाता है तो लैंडन सिमंस पर सबकी नज़र रहेंगे और वो आईपीएल में एज अनसोल्ड प्लेयर वापसी करेंगे। दोस्तों 4वें नंबर पर नाम आता है तेज गेंदबाज मिचेल मैकलेनगन का। दरअसल दोस्तों जब ये नीलामी में नहीं बेचे थे मिचेल मैकलेनगन तभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था क्योंकि बहुत तगड़े गेंदबाज है और आईपीएल में इनका स्पेशली बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है इसीलिए दोस्तों इन पर सबकी नज़र रहेंगे। अगर कोई सा भी विदेशी तेज गेंदबाज चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होता है तो दोस्तों सबसे पहले यही खिलाड़ी होगा जो इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में आईपीएल 2018 में शामिल होगा। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 की और 3रे नंबर पर दोस्तों नाम आता है साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला का। हाशिम आमला की आईपीएल 2018 में वापसी तय है। एक विदेशी बल्लेबाज अगर चोटिल होता है तो इन पर ही सबकी नजरें रहने वाली है। 2017 में इनका बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से लेकिन दोस्तों एक सरप्राइज था कि इन्हें नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों अगर अब कोई चोटिल होता है तो ये बहुत बड़े कंटेंडर हैं आईपीएल 2018 में वापसी के। दोस्तों नंबर 2 पर नाम आता है उन्मुक्त चंद का। दरअसल दोस्तों उन्मुक्त चंद 2012-2013 के करीब एक सेंसेशन बने थे इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में लेकिन दोस्तों आईपीएल 2018 की नीलामी में ये अनसोल्ड रहे थे। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में इनका बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है और दोस्तों अगर कोई सा भारतीय बल्लेबाज चोटिल होता है तो उन्मुक्त चंद पर सबसे पहले नजरें आएंगी और वो दोस्तों टीम में एंट्री लेंगे आईपीएल 2018 में। दोस्तों अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिस पर सबकी नजरें हैं एज अनसोल्ड प्लेयर। वो खिलाड़ी है दोस्तों मार्टिन गप्टिल। हाल ही में चल रही दोस्तों ट्रांस तस्मान ट्राई सीरीज में इनका बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा था और दोस्तों एक ब्लास्टिंग बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। आईपीएल 2017 में भी दोस्तों इन्होंने ठीक ठाक कुछ अच्छे खासे नॉक्स खेले थे लेकिन दोस्तों 2018 में नीलामी में इन्हें किसी ने नहीं खरीदा जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। हालांकि दोस्तों अब ये टॉप कंटेंडर है और अगर कोई सा विदेशी बल्लेबाज चोटिल होता है तो इन पर ही सबसे ज़्यादा नजरें रहने वाली है और दोस्तों इनके साल ही जो डील है वो सेट करेगी वो टीम और इनकी एंट्री हो सकती है आईपीएल 2018 में।